अब इसमें कोई शक नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, तैयारी करें कि नहीं करें, अब तो आपको एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है। जय हिंद एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और फाइनली एसएससी जीडी का जो 2023 में जो नई भर्ती आने वाला था उसका एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है, वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा। जैसे कि आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर के, ठीक है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम पूरा इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं कि कितना वैकेंसी आएगा। कहीं ना कहीं आप लोग सुने होंगे कि 70,000 वैकेंसी आ रहा है, 75,000 आ रहा है, बीएसएफ में इतना है, सीआईएसएफ में इतना है, एसएसएफ में इतना है, एनआईए में इतना है। तो देखिए, कम से तो कम जो वैकेंसी आएगा वो 50,000 वो प्लस ही आएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि 70,000 बोल रहे हैं, कोई कोई 75,000 बोल रहे हैं। तो देखिए, ये तो हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, झूठ मूठ का वादा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन मैं इतना मान सकता हूँ कि 50,000 प्लस जो है ना, कम से कम आपका वैकेंसी आने ही वाला है, ठीक है। तो आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना एक चीज ध्यान से, तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ये वेबसाइट पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं इसके होम पर, ठीक है। तो जैसे आप एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ऐसे भी खोलेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, जो कि 26 अक्टूबर यानी कि आज ही के डेट में आया है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप चल जाएंगे उस नोटिस पर जो मैंने आपको दिखा रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो मैं अभी आपको ये चीज बता रहा था, तो यहाँ पे देखिए अब क्या क्या लिखा, मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ना, तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देखेंगे, इम्पोर्टेंट नोटिस, द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट फॉलोइंग एग्जामिनेशन एज पर द गिवन शेड्यूल। ये एक शेड्यूल दिया है जो कि एग्जामिनेशन करवाएगा। तो सबसे पहला में है दिल्ली पुलिस का, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2023 एंड कांस्टेबल जीडी सीएफएफ। देखिए, ये जो है ना थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया ये शायद नोटिस बनाने में, ठीक है। ये आपको ऊपर वाला दिल्ली पुलिस का है जो कि 14 नवंबर से इसका जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और लास्ट इसका एग्जाम चलेगा कितना, तो 3 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन जब आप दूसरा देखेंगे ना, दूसरा नंबर में नीचे में देखेंगे तो कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ, एसएसएफ राइफलमैन, जीडी इन असम राइफल एंड सिपोई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2024। तो देखिए, इसका एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 20 फरवरी से लेकर के ये लास्ट आपका जाएगा 12 मार्च 2023 तक। तो अब आपको पता चल गया कि अब जो फाइनली आपका वैकेंसी आने वाला ही है, अब इसमें कोई शक नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, तैयारी करें कि नहीं करें, अब तो आपको एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है कि आपका जो एग्जाम 20 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक आपका चलेगा, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं नोटिफिकेशन का। देखिए, 26 तारीख को नोटिफिकेशन आया, इसका देखिए आपको नीचे में प्रूफ मिल जाएगा, 26/10/2023, ठीक है। अब देखिए, 24 नवंबर से ये भरा जाएगा फॉर्म, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, 22 नंबर में आपको सबसे नीचे में लिखा हुआ, इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया हूँ, ठीक है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2024। देखिए, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला, आप सभी को पता है। देखिए, 24 नवंबर को जो है इसका जो है एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो जारी होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें सारा कुछ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और देखिये, 28 दिसंबर तक इसका जो है ये लास्ट डेट दिया हुआ, 28 दिसंबर, ठीक है। लास्ट डेट का अगर हम बात करें तो 28 दिसंबर है, ठीक है। अब देखिए, एग्जामिनेशन जो दिया हुआ फरवरी से लेकर के मार्च तक आपका चलेगा, ठीक है। अब देखिए, इतना आपको मैंने सारा कुछ बता दिया कि अब जो फाइनली आपको तैयारी करना है, अगर अभी भी आप नहीं तैयारी कर रहे थे तो अब जो आपको फाइनली लग जाना है, क्योंकि 24 नवंबर से जो आपका अप्लाई होगा स्टार्ट, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा 2 महीना बचेगा एग्जामिनेशन के लिए, तो उतना में नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं दिया हूँ जीडी का एग्जाम, मुझे पता है, ठीक है। आपको मैथ रीजनिंग और ये जो स्टैटिक जीके है ना, उसको आपको एकदम कंप्लीट करके रख लेना है, ठीक है। देखिए, अब हम आपको बता देते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट इसका क्या होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट, ठीक है, तो एज लिमिट का बात करें, देखिए तीनों के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, इनका जो एज लिमिट रहने वाला वो रहने वाला 18 से 23। ऐसे ही देखिए, सिंपली 18 से 23 ये सबके लिए है, लेकिन इसमें जो एज में छूट दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, जैसे कि ओबीसी का अगर हम बात करें ना, तो ओबीसी में जो है 3 साल का छूट दिया जाता है, तो ये 18 से लेकर के 26 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम एससी एसटी का बात करें तो ये इसको जो 5 साल का दिया जाता है, तो ठीक है, तो 23 तो यहाँ हो गया 23, अब प्लस 5 आप जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 18 से लेकर के
28 साल तक दिया जाएगा एससी एसटी वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओबीसी का बात करें तो इसको 18 से 26 और ईडब्ल्यूएस और ओ यूआर के लिए बात करें तो 18 से 23। तो ये जो आपका एज लिमिट रहने वाला है, और डेट देखिए कब काउंट होगा, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, डेट जो अपना काउंट होने वाला है, ठीक है, एज काउंट, एज जो आपका काउंट होगा वो होगा 1 अगस्त से लेकर के, यानी कि 01/08/2023। यानी कि देखिए अगर कोई भी वैकेंसी निकलता आप पीछे भी जाकर के देख सकते हैं एसएससी का, तो वो अगस्त से ही काउंट करता जाता है, जनवरी से। पिछला बार जनवरी से इसलिए हुआ था क्योंकि जो देखिए कोरोना के टाइम में काफी ज्यादा जो है स्टूडेंट लोगों का जो है एज एक्सपायर हो गया था, तो उसपे जो है हल्ला उल्ला हुआ था केस वगैरह, तो उसमें जो है ना कि मतलब जनवरी कर दिया गया था। तो इस बार जो आएगा ना, मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूँ कि आपका जो है 1 अगस्त आने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे तो कि एज कैलकुलेटर से जो है गूगल पर जाएंगे, एज कैलकुलेटर सर्च मारेंगे, और आपको यहाँ पे जितना भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उतना, और 1/08/2023 आपको डाल करके चूज कर लेना। वहां पर आपको पूरा आपका जो है बता देगा कि आपका कितना एज हो रहा है, कितना टाइम, कितना समय, कितना मिनट, सब हो जाएगा, ठीक है। तो 1/08/2023 तक आपका 18 साल पूरना चाहिए, अगर नहीं पूरता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। 18 से 23, लेकिन कब तक, तो 1/08/2023 तक, ठीक है, ना तो इसके बाद ना तो इसके पहले। और आप लोग को पता ही है कि दसवां लेवल पर वैकेंसी, क्योंकि इतना पता नहीं होता था, आप वीडियो देखने के लिए आते ही नहीं, ठीक है, सिंपली ये 10th पास है, ठीक है। तो जितने लोगों ने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से अपना तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 महीना उधर है और लगभग लगभग 1 महीना इधर, तो 3 महीना के लगभग आपको करीब एग्जैक्ट टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है। और देखिए ये सब वैकेंसी जल्दी निकलता नहीं है, तो चुनाव है, तो आप लोगों के लिए जो है बहुत ही अच्छा समय अभी चल रहा है, वरना चुनाव नहीं रहता तो ये वैकेंसी तो दूर दूर तक अपने देखने के लिए भी नहीं मिलता, ठीक है। तो इसमें आपको एक सीट लेना ही लेना है, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, फिर आपको जो ऐसा मौका कभी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, और जैसे जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता जाएगा या तो फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने को लेकर के मैं सभी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ भी कमेंट हो तो कमेंट में डालें, मैं उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दूंगा, ठीक है। और फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।